उसे क्या दुख है? वो एक मामूली व्यवसायी की पत्नी है। उसका पति और पुत्र व्यापारी दल के साथ जंगल के रास्ते जा रहे थे, पर पीछे रह गए। जब लोग खोजने के लिए वहां वापस लौटे तो पाया वो मरे पड़े थे। उन्हें किसी डाकू ने मार डाला था। उनकी उंगलियां कटी हुई थी, जिसे लोगों को विश्वास हो गया है कि ये काम एक अंगुलीमाल नाम के भयानक डाकू का है, क्योंकि वो अपने शिकार की उंगलियां काट डालता है। मैंने इस डाकू के विषय में लोगों को बातें करते हुए सुना है। आनंद, क्या तुम उसके संबंध में कुछ जानते हो? भगवान, कहते हैं कि वह ज्ञानी पिता का पुत्र है। उसने खुद भी तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की है। लोग कहते हैं कि वह एक अत्यधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थी था, परंतु कुछ सहपाठियों की ईर्ष्या के कारण उसे ज्ञान का मार्ग छोड़ देना पड़ा और उसने अपराधी जीवन अपना लिया। राजा के सैनिक लंबे समय से उसका पीछा कर रहे हैं, पर वो इतना चालाक है कि उनकी पकड़ में नहीं आता। इस तरह से उसे कभी नहीं पकड़ा जा सकता। सैनिक भाले और चाबुक के बल पर लोगों को कुचल तो सकते हैं, मगर उनका आचरण नहीं बदल सकते। वहीं रुक जाओ किक्कू, और आगे ना बढ़ना। क्या कह रहे हो तुम? मैं क्या तुम्हें भीखू दिखता हूं? अंगुलीमाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुमने कभी नहीं सुनी। ए साधु, तू अब कौन सी चाल चलने वाला है भगत? मैं तेरी बात पर भरोसा करने वाला नहीं। देखो, मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है और ना ही मेरे साथ सहयोगी हैं जो तुम्हें हानि पहुंचाएं। तुम बहुत देर से छिप कर मुझे देख रहे हो और जानते हो कि मैं सच कह रहा हूं। मेरा यही अनुरोध है कि तुम मेरी बात सुनो। ठीक है, बोलो। तुम्हें आश्चर्य हुआ जब मैंने तुम्हें भिक्खू कहकर पुकारा, परंतु मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुमने कभी अपनी आत्मा की ओर नहीं देखा है, कभी यह अनुभव नहीं किया कि तुम्हारे भीतर कहीं एक भला आदमी भी है जिसमें दया की भावना है, ठीक उसी तरह जैसे कोई भिक्खु चाहता है। पक पक बंद करो। मेरे समूचे जीवन का उद्देश्य है लोगों की हत्या करना और समृद्ध होना। जीवित लोगों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं कहता हूं, समाज और लोगों के बीच तुम्हारा स्थान है। समाज? क्या जानते हो तुम समाज के बारे में? तुम स्वयं एकांत में रहने वाले हो। पीड़ा और अपमान के बारे में तुम जानते ही क्या हो? शायद उतना नहीं जितना तुम जानते हो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत दुख सहे हैं, मगर इसका हल ये नहीं है कि तुम लोगों के जीवन में दुख पैदा करो और अपने लिए नरक का मार्ग तैयार करो। सोचो, किसी आदमी की हत्या करने के बाद क्या तुम्हारे मन में ये इच्छा नहीं हुई कि तुम उसके शव के सामने खड़े होकर रो? और कितनी ही बार इस जंगल के भयानक एकांत में तुमने अपने आंसुओं को नहीं रोक लिया है? और अभी वो कैसे बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा है? उसे बाहर आने दो अंगुली, उसे रोको मत, आंसुओं को बहने दो, उसे मत रोको। मेरी दबी हुई स्मृतियों, आंसुओं और पीड़ाओं को मुक्त करने वाले तुम कौन हो? क्या अधिकार है तुम्हें? वर्षों से मैंने अपने चारों ओर घृणा की दीवार बनाकर रखी थी, अपने भय बंद करके छिपा के रखे थे।
तुम पास आए और अपने कुछ शब्दों और एक स्पर्श से ही उस दीवार को तोड़ दिया। मैं अपने जीवन को बचाने के लिए ही संसार से भाग आया था, किंतु तुमने उसे नष्ट कर दिया। कैसे जीवित रहूंगा अब मैं, कहां जाऊं अब मैं? मेरे रास्ते में आने वाले अभियोगी, तू है कौन? बोल, कौन है तू? मैं गौतम बुद्ध हूं, मेरी शरण में आओ, वहीं तुम्हारा उद्धार है। आप हैं भगवान? मेरी रक्षा अब कहीं नहीं हो सकती। मैंने इतने पाप किए हैं जितने कोई दो जीवन में भी नहीं कर सकता। डाकू के रूप में तुम्हारा जीवन अब समाप्त हो चुका है। मैं तुम्हें अपने आदेश से भिक्षु नियुक्त करता हूं। ये एक नया जीवन है, नए सिरे से सब कुछ आरंभ करने का अवसर है तुम्हारे पास। नहीं, मैं पहचान लिया जाऊंगा, लोग मुझे पत्थर मारेंगे, मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे। इससे भी बुरा हो सकता है, तुमने जो हत्याएं की हैं ये उन्हीं का फल है। सभी पीड़ाओं के कारण तुम ही हो। तुमने जो कर्म किए हैं उसका फल तो तुम्हें भोगना ही होगा। जब तक जीवन चलता रहता है कर्मों के फल भी मिलते रहते हैं। क्या तुम्हारे भीतर उन्हें स्वीकार करने का साहस है? हां भगवान, जिस नरक में मैं जी रहा था उससे तो कोई भी स्थिति अच्छी हो सकती है। तो फिर आओ अंगुलीमाल, फिर से मनुष्यों के संसार में लौट चलो। महावत, अंकुश से हाथी पर नियंत्रण पाता है, किंतु भगवान बुद्ध दया से Yeah.